एक ऐसा वार्म वेलकम मोदी साहब को दिया गया है जो तारीख का हिस्सा बन गया। ऐसा हर एक के साथ नहीं होता। डॉक्टर साहब, इस वक्त जो इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स पे जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी मॉस्को पहुंचे हैं और प्रेसिडेंट पुतिन ने उनको अपनी रहाइश गाह पे बुलाया है। और उस मीटिंग का टाइम लिमिट कोई नहीं है। अच्छा। चाहे वो 5 घंटे की मीटिंग हो, चाहे वो 10 घंटे की मीटिंग हो, ये विजिट इस टाइम चाइना में वायरल है। चाइना की सोशल मीडिया पे, चाइना के मीडिया पे। अभी जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक रूस की ये कोशिश है कि वो चाइना और इंडिया के बीच में भी जो दूरी है उसको कम करे, तो इसका हमारे ऊपर बड़ा एक इम्पैक्ट होगा। तो देखिए, ये हमारे को सूट नहीं करता। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जाता है, वेस्ट की जरूरत नहीं होती कि उसके खिलाफ कोई बात करें या कोई स्टेटमेंट दे। हमारा प्राइम मिनिस्टर जानता है तो इधर से आता है कि इसे निकाल दो। अगर मैं खुले लफ्जों में कहूँ तो ये वेस्ट के मुंह के ऊपर तमाचा है और बड़ा सही तमाचा मारा है मोदी साहब। मोदी साहब इज अ नेशनलिस्ट लीडर, नेशनलिस्ट। तो रशिया को और दुनिया को हमने ये बताना था कि भाई हमारा दोस्त रशिया था, है और हमेशा रहेगा। वेस्ट चाहता है, स्पेशली यूएसए चाहता है कि हम रशिया से दूर हो जाएं, और भारत ये मैसेज भी देना चाहता है कि हम कभी भी रशिया से दूर नहीं होंगे। जहां पर हमारा इंटरेस्ट है, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, हम वहां पे अपने रिलेशन को हमेशा बरकरार रहेंगे, कुछ भी हो जाए। हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का एपीएन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, पाकिस्तानी और चीनी मीडिया में इस समय मोदी जी का रूस के दौरे पे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा मोदी जी को ग्रैंड वेलकम करने का जो तरीका है, जो वीडियो है, वो काफ़ी वायरल हो रहा है। और इसके साथ ही साथ जो बेस्ट है, खासतौर से अमेरिका में, जैसे कि आप जानते हैं कि अमेरिका की एक ख्वाहिश रही है और उसने बार बार यह जताया है कि भारत रूस से अपना नाता तोड़े, उसके साथ अपने रिलेशनशिप में कमी लाए। लेकिन ऑब्वियसली भारत सरकार ने भारतीय हितों की रक्षा को देखते हुए ऐसा नहीं किया, और जिसके बाद यही लगता है कि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से अमेरिका और इंडिया के रिलेशनशिप में थोड़ी सी कमी आई है, उसका कारण यही है कि भारत अमेरिका की बात नहीं मान रहा है, और वैसे भी माननी भी नहीं चाहिए, क्योंकि रूस भारत के लिए एक इम्पोर्टेंट और ट्रस्टेड फ्रेंड रहा है, न सिर्फ डिफेंस के हिसाब से बल्कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स के हिसाब से, और ख़ासतौर से अब जबकि अमेरिका की नीतियों के कारण रूस और चाइना एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो ऐसे में भारत तो बिल्कुल भी रूस को अकेला नहीं छोड़ सकता। यही वजह है कि भारत ने अमेरिकी दबावों के बावजूद भी रूस के साथ डट के खड़ा रहा, जिसको कि रूस भी समझता है, और यही वजह है कि जो मोदी जी का स्वागत अभी पुतिन कर रहे हैं उसमें यह साफ झलकता है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को प्रेसिडेंट पुतिन ने ग्रैंड वेलकम दिया है। एक ऐसा वार्म वेलकम, रेड कारपेट वेलकम मोदी साहब को दिया गया है जो तारीख का हिस्सा बन गया। पुतिन ने मोदी को जब रिसीव किया तो उसके बाद वो उनको अपने घर लेकर गए, और प्रेसिडेंट पुतिन ने पर्सनल टूर दिया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अपने घर का। ऐसा हर एक के साथ नहीं होता। यानी रशिया का प्रेसिडेंट किसी मेहमान को, प्राइम मिनिस्टर को, अपने घर का पर्सनल टूर दे, सबके साथ ऐसा नहीं होता। प्रेसिडेंट पुतिन ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए शाम की चाय का एहतमाम अपने घर के टेरेस में किया हुआ था। तो मोदी साहब ने और पुतिन साहब ने मिलकर शाम की चाय पी है प्रेसिडेंट पुतिन के घर के टेरेस पर। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि प्रेसिडेंट पुतिन ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को गोल्फ कार्ट में बिठाकर उनको अपने साथ वो अपने घर फिराते रहे, सैर करवाते रहे। और वैसे तो डैच कहते हैं, रशियन में किसी भी ऐसी प्लेस के जहां पर वो रहते हैं, कोई भी ऐसी कम्युनिटी या ऐसी कोई प्लेस होगी जहां पर हाई फाई वो रह रहा होगा, उसको डैच बोला जाता है रशियन में। लेकिन उनके घर को नोवो अगर वो का वो जगह का नाम है। वो एक दूसरे से बगलगीर होते हुए मोदी साहब और पुतिन साहब गले मिलते हुए हर जगह पर दिखाई दे रहे हैं। कैसे हाथ में हाथ डाले वो फिर रहे थे, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनके घर का उनके साथ टूर कर रहे थे। ये तमाम पिक्चर्स जो हैं वायरल हो रही हैं इस वक्त के, कैसे प्रेसिडेंट पुतिन का घर पहली मर्तबा देखा जा सकता है। तो इससे ये पता चलता है कि ये एक ग्रैंड विजिट तो है ही, एक ग्रैंड वेलकम तो है ही, लेकिन ये एक यूनिक वेलकम है। ये भारत के किसी प्राइम मिनिस्टर को रशियन प्रेसिडेंट की तरफ से इस तरीके से रिसीव करना, अपने घर लेकर जाना, और उन्होंने होस्ट भी उनको अपने घर पर किया। फिर उसके बाद जो
नरेंद्र मोदी साहब हैं वो कम्युनिटी में अपनी जो इंडियन कम्युनिटी है वहां पर डायस्पोरा, वहां का भी बड़ा वाइब्रेंट डायस्पोरा है रशिया का, वहां पर पहुंचे, उनसे मुलाकात की, उन्होंने वहां पर स्पीच भी की। तो जो ये कह रहे हैं कि जालिमो ये मोदी का जलवा, तो एग्जैक्टली जालिमो ये मोदी का छक्का है। ये थर्ड इनिंग में इटली के बाद जो ये ट्रिप है, इतना यूनिक ट्रिप जो है हमें इससे पहले देखने को नहीं मिला। अभी तो पार्टी शुरू हुई है क्योंकि हमने तो स्टार्ट में ये सब देख लिया। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है पूरी दुनिया के लिए, ये एक मैसेज है कि रशिया और इंडिया ऐसे एक साथ खड़े हैं, बड़ी गहरी इनकी वो दोस्ती जो अब और भी ज्यादा स्ट्रेंथन हुई इस टूर के बाद। डॉक्टर साहब, इस वक्त जो इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स पे जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी मॉस्को पहुंचे हैं और प्रेसिडेंट पुतिन ने उनको अपनी रहायशगाह पे बुलाया है। घर में बुलाना अमूमन सदर वजीर आजम सरकारी रहायशगाहों पे लेके जाते हैं, लेकिन वो जाती तौर पर उन्होंने बुलाया। डॉक्टर साहब कैसे देखते हैं और पर्टिकुलरली जरा सेंटीमेंट्स बताइएगा, क्योंकि आप वॉशिंगटन डीसी में बैठे हैं, पल्स को बड़े अच्छे से समझ रहे हैं, अमरीका कैसे देखता है मोदी साहब के ट्रिप को? अभी डेढ़ हफ्ता पहले तो वो बाइडेन को जफियां डाल के गए हैं इटली में और सारे वेस्टर्न वालों को, अभी वो पुतिन साहब को भी डाल रहे हैं, कैसे देखते हैं तार साहब? मैं एक तो इस दौरे समिट के बारे में भी पहले बताता हूँ कि ये सालाना समिट है। ये दूसरा, ये 1560 मिनट का दौरा है, 26 घंटे का, 1560 मिनट का दौरा दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं खुले लफ्जों में कहूं तो ये वेस्ट के मुंह के ऊपर तमाचा है और बड़ा सही तमाचा मारा है मोदी साहब। उनके पास चॉइस क्या था? मोदी साहब क्या चॉइस? मोदी साहब इज अ नेशनलिस्ट लीडर, नेशनलिस्ट, उन्होंने भारत के फायदे के लिए गए हैं। वो वहां पे लंदन की प्रॉपर्टी का डिस्कस अपने लिए नहीं गए या दुबई के प्लाजो के लिए नहीं गए, वो नेशनलिस्ट है। क्योंकि लाइव चला है यहाँ पे जो मीडिया ने दिखाया है उनकी कन्वर्सेशन मोदी साहब की और पुतिन की, जो डाचा, जो आप कह रहे थे ना डाचा, वो स्टेट का नाम होता है, ऐसा रशियन वर्ल्ड है, जो अपने घर पे उन्होंने डिनर किया। बल्कि मैं अभी थोड़ी देर पहले अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर रहा था कि मैं समझता हूं कि मोदी साहब और पुतिन वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर जिन्होंने लाइव की कन्वर्सेशन। बाबा बाइडन ये कन्वर्सेशन लाइव कर सकता है? कोई दुनिया प्रेजिडेंट ही कर सकता है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सबसे पहले तो मोदी साहब ने जाने से पहले ही कह दिया था कि पुतिन मेरा यार है। दूसरा, उन्होंने सर जो प्रोटोकॉल दिया है, नागोरो उसका नाम है जो डेप्टी है जिसने रिसीव किया है, ये वही बंदा है जिसने प्रेसिडेंट शी को रिसीव किया था। तो ओरिजिनली इनडायरेक्टली रशिया हैज एक्नॉलेज इंडिया एज इक्वल एज चाइना और मे बी बिगर। एक तो ये सिग्नल चला गया। दूसरा, उसके बाद चीमा साहब जो मैं बात करना चाहूंगा, तीन ऑब्जेक्टिव मोदी साहब डिस्कस करने गए हैं, ट्रेड है, एनर्जी है और डिफेंस है।